हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफेस्ट स्पूफिंग के बारे में। कौन सा स्पूफिंग मेथड सेफेस्ट है और आपको उसे कैसे यूज करना है कि आपको कभी भी बैन ना आए, तो इस वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरी की पूरी देखना। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर सबसे पहले बात करें पीजी शॉप के बारे में, जो कि मुझे पता है भाई मोस्ट ऑफ पीपल जो है आप में से बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। एंड अगर बात करें कि पीजी शॉप में बैन होने के चांसेस कितने हैं, तो भाई इसमें बेसिकली 50-60% चांसेस हैं कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो मोस्टली भाई आपका अकाउंट तब बैन होता है जब आप एक लेवल में पहुंच जाते हो, मतलब कि 46 या फिर 47 लेवल में पहुंच जाते हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम भाई तभी आपका अकाउंट बैन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो, 45 लेवल पर या फिर 46 लेवल पर, तो भाई आपको स्पूफिंग बंद कर देनी चाहिए या फिर आपको अपना मेथड जो है वो चेंज कर देना चाहिए। तो इसके अलावा गाइज, अगर बात करें इससे सेफ कौन सा मेथड है, तो भाई इससे सेफ जो मेथड है वो है भाई पीसी मेथड। आपको भाई पीसी के थ्रू अगर स्पूफ करना आता है, मतलब कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे भाई ऑप्शंस मिल जाएंगे पीसी में आप कैसे स्पूफ करें। तो उससे क्या होगा कि भाई आप कोई भी मोड वाली, मतलब कि एपीके नहीं कर रहे होंगे, आप ओरिजिनल पोकेमॉन गो के अंदर स्पूफ कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि बैन होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि भाई सीधा सीधा जो है पॉलिसी में लिखा हुआ है पोकेमॉन गो की प्राइवेसी एंड पॉलिसी में कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हो या फिर मॉडरेट ऐप का यूज करते हो तो आप बैन हो सकते हो, आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो भाई इससे सेफ जो है पीजी शॉप से ये पीसी वाला मेथड सेफेस्ट है। अगर गाइज बात करें सेफेस्ट मेथड की, तो भाई वो है रूट मेथड। हाँ भाई, रूट मेथड जो है भाई वन ऑफ द, मतलब कि सेफेस्ट मेथड है जिससे आप स्पूफ कर सकते हो। और मुझे पता है कि यार आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब देखो हम अपना फ़ोन तो रूट कर नहीं सकते, और अगर करना भी चाहे तो भाई हमें इतना तो नहीं पता है कि कैसे रूट करें, क्योंकि भाई रूटिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। तो भाई मैं आपके लिए अगली वीडियो में एक सोल्यूशन लाऊंगा। तो भाई ये तीन ही मेथड थे, और रूट मेथड में भाई बहुत सारे स्पूफिंग मेथड आ जाते हैं, बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाते हैं जो कि स्पूफिंग प्रोवाइड कराते हैं, और भाई बहुत सारे आपको यहाँ फीचर भी प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडेड गाइस यहाँ आपको एक्सपी एंड स्टार्टस फार्मिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है रूटेड डिवाइस में। तो भाई अब तक के लिए इतना ही बताऊंगा गाइस आपको कि कैसे आप गाइस अपने फोन को रूट कर सकते हो। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको रूट फोन चाहिए तो क्या सोल्यूशन है उसका। तो तब तक बने रहना, 2 या 3 दिन में वीडियो जो है वो जल्दी आ जाएगी। और तब तक के लिए गाइज, अगर आप लेवल 45 से ज़्यादा हो तो भाई स्पूफिंग करना बंद कर दो, या फिर अगर रोटेड फोन है तो भाई उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, ओके बाय।